अगली बड़ी खबर इटावा से आपको बता दें, जहां एक सड़क हादसा हुआ जिसमें 6 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए हैं। कई लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। बस में 40 लोग सवार थे। ट्रक और बस की टक्कर होने से यह हादसा हुआ है। बकेवर कोतवाली इलाके में यह हादसा हुआ है। 6 से ज्यादा लोग जख्मी हैं। कई लोगों की हालत गंभीर है। बस में 40 यात्री सवार थे। ट्रक और बस की टक्कर होने से यह हादसा हुआ है। अनु चौरसिया हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए। अनु, किसकी लापरवाही के चलते यह हादसा हुआ? देखिए, आपको बता दें कि पूरा मामला जो निकल कर आ रहा है, थाना बकेवर इलाके के NH2 हाईवे का बताया जा रहा है, जहां पर एक प्राइवेट ये बस बताई जा रही है, जो कि डिलक्स बस थी, जो कि आगरा की तरफ से कानपुर तरफ जा रही थी। ये खड़ी हुई अचानक सवारियों को रोक उतारने लगी। सभी पीछे से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक में इसमें टक्कर मारी, जिसमें आधा दर्जन लोग घायल बताए जा रहे हैं। और इस बस में जो कि 40 लोग सवार थे, इसमें जो लापरवाही निकल कर आ रही है, खास तौर से बस ड्राइवर की निकल गए, क्योंकि उसने अचानक ब्रेक लगा दिया, पीछे से आ रहे ट्रक ने असंतुलित होकर उसमें टक्कर मार दी। जी, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए।